फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मटके गले की कटिंग और सिलाई बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग हमने पहले से कर लिया है। 34 साइज का है, 34 का एक भाग 8.5 इंच, इस तरह हमारा चेस्ट है। अब यहाँ पर शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। आर्म होल को हमने यहाँ पर 5.5 इंच पर झुकाया था। अब देखिए, यहाँ से हम 3 इंच मुढ़े की पट्टी लेंगे और ये हमारा 2.5 इंच का यहाँ से हमने रखा हुआ है गले के लिए फैलाव की। अब गले की गहराई है सिलाई मार्जिन लेते हुए 10.5 इंच पर। अब नीचे की साइड हम गहराई को लेंगे 3.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इस तरह हम लाइन को सीधी कर लेंगे। अब यहीं से हम एक अच्छी सी मटके गले का आहिस्ते आहिस्ते शेप ले जाएंगे। तो थोड़ा इसे हम डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमारा ये ब्लाउज का कपड़ा है। अब इस कपड़े के ऊपर हम इस तरह पीछे वाले पल्ले को बराबर से रख लेंगे। बराबर रखने के बाद अब नीचे की साइड में पहले हम 1/2 इंच लेते हुए सिलाई को अच्छे से लगा लेंगे। अब यहाँ ऊपर की साइड गले के राउंड में भी हमें चारों तरफ से 1/2 इंच लेते हुए सिलाई को अच्छे से लगाना है। कहीं पर भी आपको कम और ज़्यादा नहीं करना है। तो सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। कट करने के बाद गले के राउंड पर हम छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग बनकर आए। अब यहाँ पर देखिए, सारे पिन को हम निकालने के बाद ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद नीचे की साइड हम एक सिलाई लगाएंगे। तो अब सिलाई देखिए, हमने चारों तरफ से हमने सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को छाट दिया है। अब गले के चारों तरफ से हम राउंड पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने लेस को यहाँ पर नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये हमारा मटका गला ब्लाउज, यहाँ पर कटिंग और सिलाई पूरी हुई। अब यहाँ पर 3 इंच की दूरी पर हम डोरी को अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल पर जो भी हमारे भाई बहन पहली बार आए हों, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हमारा मटका गला बनकर तैयार हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।